परसों पहले अम्मी की दवाई के पैसों के लिए चाचा चाची ने चोरी करवाई थी और आज उनकी वजह से दुनिया की सबसे नेक औरत का बेटा बगदाद का सबसे बड़ा चोर बन चुका है। बोलिए जमींदार हबीबुल्ला। शहजादी यास्मीन, हमें इंसाफ चाहिए। हमने लगान हमेशा वक्त पर भरा है, फिर भी सरकार ने हमारा हीरा जब्त कर लिया। ये जरूर किसी की साजिश है। वो नीला हीरा हमारे मरहूम अब्बा की आखिरी निशानी है। आपके अब्बा हुजूर हमारे बादशाह सलामत बहुत ही भोले हैं। उन्हें किसी ने हमारे खिलाफ भड़काया है। हमने सारा लगान वक्त पर भरा है। महल में जरूर कोई है जो बादशाह सलामत के साथ धोखा कर रहा है। अगर आपके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपको इंसाफ दिलाना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी होने वाली सुल्ताना की जिम्मेदारी। शुक्रिया शहजादी। आपने वादा तो कर दिया, लेकिन आप इंसाफ कैसे करेंगी, क्योंकि अभी तक तो आप सुल्ताना बनी नहीं है। हमें सुल्ताना होने का हक भले ही बाद में मिले पित्ती, लेकिन सुल्ताना होने का फर्ज हमें अभी निभाना होगा। लेकिन शहजादी, जब तक बादशाह सलामत और बेगम साहिबा हिंदुस्तान से वापस नहीं आ जाते, तब तक आप संभल के रहिए, क्योंकि आज शाम को शाही जुलूस में आपकी पालकी निकलने वाली है। आज कोई खतरा मत उठाइएगा। नीला हीरा चुराना ही पड़ेगा। हमें हबीबुल्ला का नीला हीरा बचाना ही पड़ेगा। शहजादी, बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे आपको फूल दे रहे हैं। और देखिए बच्चे कितने प्यारे हैं। शहजादी हाथ बाहर हिला लीजिए। हाँ, बहुत अच्छे। शहजादी अभी हाथ अंदर कर लीजिए, नहीं तो गहने सारी चोरी हो जाएंगे आपके। दिन कहाँ रह गया? क्या किस्मत है मेरी, वहां गुलबदन शहजादी को देख रहा होगा और मैं हमारी मदद करो ना, बहुत कस के बंदा हुआ है। अच्छा हाँ, रुकिए। पिद्दी, पिद्दी। शहजादी मैं अभी आई। हाँ अभी आई। पिद्दी। जी चाची, आपने बुलाया? घर पे सब ठीक है ना बेटा? चूहे यहाँ से वहाँ हमेशा दौड़ते रहते। कसम सोने की अशर्फियों की, अब इतने से किराए में चूहे नहीं तो क्या घोड़े दौड़ेंगे। दौड़ने से चूहों को घर में बरकत लगी रहती है। तो ये सब बातें छोड़, हमारा एक काम कर दे। ये मेरे गुल्लू को ना शहजादी से मिला दे। चल। अब चाची जी, वो मैं क्या बोली थी? क्या हुआ, ये पकौड़े जैसा मुंह क्यों फुला लिया?
देख बेटा, आजकल महंगाई तो देख रही है ना, रातों रात किराया बढ़ गया तो चूहे दौड़ते देखने के लिए भी आंखें तरस जाएंगी। ले जा बच्चे ले जा। कम भगत जाना, चलो। शहजादी यास्मीन, पूरे बगदाद में अगर किसी के पास बेपनाह हुस्न और खूबसूरती है तो वो है गुल बदन। अरे आप एकदम से मत देखिएगा, कहीं मेरे हुस्न को देखकर आप बेहोश ना हो जाएं। अरे पिद्दी, ये शहजादी मेरे हुस्न को देखकर बेहोश तो नहीं हो गई? मेरी तरफ देखी नहीं रही है। अच्छा मैं देखती हूँ। पहले से बेहोश है, इसका मतलब मुझसे पहले हीरा चुराने यहाँ कोई और आ गया है। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो शहजादी है ना, बहुत ज्यादा नाराज है तुमसे। क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत हो ना, तो तुम्हारी खूबसूरती को देख के ना जल गई है अंदर से, बहुत ज्यादा नाराज है। वो क्या है ना, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अब मैं हूँ इतना हंसी, अगर शहजादी परी है तो मैं भी परा हूँ। गुलबदन तुम ना जाओ अभी, शहजादी बहुत ज्यादा गुस्से में है। अलविदा शहजादी। अलविदा पिद्दी। अच्छा पिद्दी सुन ना, किराएदार नहीं हो तो तेरे जैसी। अब्बू अम्मी, शहजादी कहाँ चली गई? काला चोर oh
मैं माफ करना। लड़की और चोरी। और मैं तो बस ये हीरा तो नकली है। नकली है। नकली। माशाल्लाह। काले चोर के बारे में जैसा सुना था बिल्कुल वैसे ही पाया। अब तुमसे बेहतर असली और नकली की परख कौन जान पाएगा? कौन है आप? एक शरीफ आदमी। शरीफ आदमी चोरों से मिलने कब से आने लगे? चाहते रहो, समझदार भी हो। जल्दी में भी हूं। अलविदा। जानना नहीं चाहोगे आखिर ये शरीफ आदमी तुमसे मिलना क्यों चाहता है? मुझे आप जैसे शरीफ आदमी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं। 10,000 अशरफियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। मैं जानता था एक चोर दौलत की बात सुनकर रुकेगा जरूर। क्यों नहीं जानेंगे? आखिर एक चोरी तो दूसरे चोर को समझता है। हम चोर नहीं हैं। यूं कहिए कि चोर तो हैं, पर छोटे चोर नहीं। सामने वाला समझदार हो तो बात करने में मजा आता है। अब तो मैं भी समझ गया हूं कि आप यहां हैं इसका मतलब कि मुझे आपके लिए कुछ ना कुछ तो चुराना होगा। पर क्या? अगले जुमा तक तुम्हें हमारे लिए एक चीज चुरा कर काली पहाड़ी के पीछे हमसे मिलना होगा। पर चुराना क्या है? वही जो आज तक कोई चुरा नहीं पाया। एक चिराग। वहां आपको क्या पता चला? यही कि जमींदार हबीबुल्ला सही कह रहे थे, महल में कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। और वो नीला हीरा जो उन्होंने सरकारी मालखाने में जमा करवाया था वो भी नकली था। तुम जानती हो पिद्दी, हम सच्चाई का पता लगाने ही वाले थे कि फिर वो काला चोर वहां पर आ गया। बगदाद का मशहूर काला चोर, अब उनसे मिली? दिखने में एकदम खुखार था ना? नहीं, दिखने में तो ठीक ही था, पर पिद्दी, एक इंसान की परख उसकी शक्ल से नहीं,
उसके कामों से होती है। अम्मी ने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया, मेहनत की, पसीना बहाया, कितने लोगों के ताने से। देखो देखो गद्दार की बीवी जा रही है, बेशरम। पर अब मैं अम्मी को दुनिया की हर खुशी लाकर दे सकता हूं। 10,000 अशर्फियों में तो होगी दिलचस्पी मियां। रुखसार बेगम, रुखसार बेगम, कसम लगे कि अशर्फियों की एक अरसा हो गया, रोटी की तस्वीर तक नहीं देखी। अरे भाभी ये लीजिए और घर जाकर सब लोग मिलकर अच्छे से पेट भर खाना खाइए। हाँ अरे रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम सलामत रहे, रुखसार बेगम। अम्मी अब रानियों की तरह रहीं। नीता जी ऐसे कीजिए, ऐसे बनाती वाला, आपने ऐसे करो, ऐसे ऐसे हाथ करके, ऐसे ऐसे। ये भी कोई अंदाज है? इससे अच्छा तो मेरा अंदाज था। चुप हो जा तू, वरना तेरे अंदाज की मैं पूरी तल देनी है। मैंने तल की दिखा, तल की दिखा, पूरी तल, तल चुप करो। हमारा ख्वाब सच होने वाला है। 20 साल पहले जादुई चिराग का नक्शा जलाकर उमर ने जिस ख्वाब को हमारे बर्बाद कर दिया था, आज वही जादुई चिराग काला चोर हमारे कदमों में लाकर रख देगा। पर जीजू उस चिराग में ऐसी क्या खास बात है? ये वो है जो हमें इस जहां का सबसे अजीम और शान और ताकतवर इंसान बना दे। ये हमें बगदाद का क्या, इस जहां का बादशाह बनाएगा। ये है जादुई चिराग का चिन्ह। जीजू ये कितना बड़ा है? अकबर से भी बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसको तो रखने के लिए किसी खास जगह की तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी तो करनी होगी, लेकिन बगदाद के तख्त पे बैठने की तैयारी
इस खौफनाक जिन के जरिए हम बगदाद के बादशाह बनने वाले हैं। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.